लोकेश कनकराज साउथ फिल्म इंडस्ट्री का एक जाने पहचाने बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर है। 2017 में थालापति विजय के साथ मिलके उन्होंने मास्टर फिल्म लाया। देन 2019 में कार्ती मतलब सूर्या का ब्रदर कार्ती के साथ मिलके कैठी फिल्म रिलीज किया। देन 2021 में कमल हसन विजय सेतुपति एंड फैज फाजिल के साथ उन्होंने विक्रम फिल्म डायरेक्ट किया। अब इन तीनों फिल्म अब लोगों ने देखे तो हो, इस तीनों फिल्मों के अंदर एक अलग ही यूनिवर्स है जिसको हम लोग LCU के नाम से जानते हैं, मतलब लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स। अब विक्रम फिल्म के एंड में सूर्या का गेस्ट अपीयरेंस एंड उनका लुक एक अलग ही ग्लैमर पैदा किया विक्रम फिल्म के अंदर। 2019 में रिलीज हुए कैटी फिल्म का रिमेक बॉलीवुड में होने जा रहा है। इसका अनाउंसमेंट 2019 में ही हो गया था। अब कैटी फिल्म का टीजर रिलीज किया कल, जिस फिल्म का नाम है भोला। इस फिल्म में अजय देवगन लीड कर रहे और उसके साथ साथ तब्बू, मार्कंद देशपांडे, संजय मिश्रा और दीपक डोबरियाल भी है। गाइज, अब भोला फिल्म के टीजर मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा। अब टीजर शुरू होता है यूपी की एक अनाथ आश्रम से, जहाँ पे एक ज्योति नाम का लड़की रहते हैं। अब उस लड़की एक पेड़ के नीचे खेल रहे थे। अब शायद एक मैम ने आके उस लड़की मतलब ज्योति को बोलते, कल तुमसे मिलने कोई आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं अजय देवगन, मतलब यही अजय देवगन ही है। अब अजय देवगन का लुक को रिवील नहीं किया पूरा टीजर में, बट यही अजय देवगन ही है। अब अजय देवगन को हम लोग देखते हैं जेल के अंदर। वो जेल के अंदर बैठ के श्रीमद भगवद गीता पढ़ रहे थे गाइस। अब जब उनका उस जेल से निकलने के जो पोर्शन है, अब वो देख के बहुत ही अच्छा लगा। और उस टाइम जब BGM बाजते हैं ना, उस BGM में आपके रोम पे खड़े हो जाएंगे। अब देखते देखते वो जेल से निकलते, देन फिल्म देखते हैं हम लोग अजय देवगन बाइक से आते और एक कार से टकराते हुए त्रिशूल लेके कार के अंदर घुसा देते हैं बस। अब टीजर यहीं पे खत्म हो गया। अब सबसे बड़ी बात जो बात है, ये जो बाइक और उनका जो कार का जो एक्सीडेंट जो सीन है, उस सीन में जब मैं देख रहा था ना, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना टीजर। आप लोग जब देखोगे, अजय ने जब वो बाइक आके इस कार के साथ टकराते, उसका जो एक्शन सीक्वेंस, ये देख के आप लोगों को जरा सी भी आप लोगों को रियलिटी नहीं लगेगा, मतलब वो फील ही नहीं है। जैसे कि अजय बाइक से इस तरीके से हवा की सी से उड़ के जा रहे कार के अंदर। अब उसके हाथ में एक त्रिशूल है, वो जाके ऐसे कर देते। बट गाइस, यही है बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री का एक्शन सीक्वेंस का फर्क। मतलब साउथ का हम लोग जब एक्शन देखते ना, उस एक्शन के अंदर एक जान होता है, मतलब उसके अंदर रियलिटी फील होता है, आपको लगेगा हाँ ये सही में उसे मार रहे। बट जो बॉलीवुड सीक्वेंस है ना, जो बॉलीवुड के जितने भी एक्शन सीक्वेंस है, उसके अंदर जान नहीं है। बॉलीवुड का जो एक्शन डायरेक्टर है, ये लोग कब सीखेगा कि हाँ एक्शन किसे कहते हैं? आप आते हैं डायरेक्शन के पास। मतलब इस भोला फिल्म का डायरेक्टर है अजय देवगन। अब अजय देवगन का हम लोग डायरेक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं। सबसे पहले हम लोग देखे यू मी और हम, भाई गॉड वो तो मास्टरपीस है, मतलब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में मास्टरपीस है। अब देन आते हैं सिवाय। हाँ चलो, सिवाय फिल्म बहुत पहले खत्म हो सकते थे, बट फिर भी अजय ने थोड़ा खींच के इस फिल्म को 2.5 घंटे के ऊपर बना दिया। चलो ठीक है, चलो ये फिल्म भी सही है। अब देन आ रहा है रनवे 34। बाय गॉड क्या फिल्म है रनवे 34। अब अजय देवगन ने फिर से डायरेक्ट कर रहे भोला। समझ में नहीं आ रहा है भोला कैसा फिल्म होने जा रहे बॉस। चलो ठीक है, टीजर तो मैंने तो देखा। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे होंगे तो थोड़ा सा टीजर को देख लो। गाइस, छोटा चैनल की वजह से मेरे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हर रोज़ धमाकेदार वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ आपका एक सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है बॉस। ओके, अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।